हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी आप लोगों के दुआओं से ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डायंथस प्लांट के बारे में बातें करूँगी, मतलब मेरे डायंथस को मैं कैसे करके केयर कर रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, मेरे पिटूनिया में अभी भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए, ये वाला तो कुछ दिन पहले ही मैंने इसको ख़रीदा था, बहुत ही छोटा सा प्लांट। मेरे प्लांट शॉपिंग में आप लोग देख सकते हैं, प्लांट शॉपिंग 8 में शायद, तो उसी में ये वाला प्लांट को ख़रीदा था। तो अभी हम डायंथस प्लांट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, डायंथस एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन देखिए अभी मार्च का लास्ट वीक चल रहा है, फिर भी बहुत ही अच्छे से मेरे प्लांट में फ्लावरिंग कर रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, ये वाला मेरे लास्ट ईयर में किसी ने मुझे 2-4 डंडा लाके गिफ्ट किया था, मेरे पड़ोस वाली भाभी ने, तो मैं उसको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। और वो मैंने फिर ग्राउंड में उसको लगाया था, फिर इस साल में वहाँ से फिर कुछ ब्रांचेस काट के इस पॉट में लगाया था, और देखिए वो फिर एकदम पूरा वो पॉट अभी भर गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे हैं मेरे डायंथस, और सब में देखिए बहुत ही अच्छे से ऐसे करके फ्लावरिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं इस प्लांट के लिए कैसा हमें सॉइल मिक्सर चाहिए। तो इसका हमें जो नॉर्मल सॉइल मिक्सर है, मतलब एक पार्ट हमें गार्डन सॉइल चाहिए, एक पार्ट सैंड, अगर रिवर्स सैंड है तो बहुत ही अच्छा है, और साथ में एक पार्ट हमें फार्मी कंपोस्ट या फिर आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है, काउडंग कंपोस्ट या फिर पत्ते की खाद, तो वो आपको लेना है एक पार्ट। तो इन सब के साथ फिर मैंने 2-3 चम्मच नीम खली भी मिलाया था और 2-3 चम्मच बोन मील भी मिलाया था। तो अगर आपके पास बोन मील अवेलेबल है तो आप ज़रूर मिलाइए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नीम खली है तो ज़रूर मिलाइएगा। तो इसी से इन प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्सर बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें धूप कितना देना है, यानी इसके सनलाइट के बारे में। फ्रेंड्स, डायंथस एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसीलिए विंटर में तो हमें इन प्लांट्स को फुल सनलाइट में रखना है। कोई भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो, उसे हमें फुल सनलाइट में ही रखना है, और कम से कम 6-7 घंटे का धूप देना है विंटर का। और फ्रेंड्स देखिए, अभी भी ऐसे करके फूल खिल रहे हैं। देखिए, जो बाड बड़ा वाला बाड है, ये 2-3 दिन में खिल जाएगा, और उसके साइड में देखिए एक बेबी बाड, वो भी बड़ा होते रहेगा। तो ऐसे ही करके ये और बहुत दिनों तक फूल खिलते रहेंगे ये सारे प्लांट्स में। और जो भी पुराना ऐसा फूल खिल के सूख गया है, वो सारे बाड्स को हमें हटा देना है, मतलब फूलों को जो फूल सूख गया है। और फ्रेंड्स, जो सनलाइट के बारे में हम बोलने वाले थे, तो अभी समर में सुबह का 2-3 घंटे का ही धूप देना है, या फिर शाम को भी आप दे सकते हैं 2 घंटे का, तो बहुत है। तो या सुबह का होने से भी हो जाएगा, या फिर शाम को होने से भी हो जाएगा, नहीं तो आप कोई बड़े प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं, जहाँ पे शाम के थोड़ा बहुत धूप आते हैं, तो ऐसे जगह पे ही अभी रखना है, नहीं तो फूल सारे जल जाएंगे और प्लांट्स भी ख़राब हो जाएगा ज़्यादा धूप में। विंटर, कोई भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो, तो वो समर का धूप नहीं सह सकते हैं। तो ऐसे करके हमें अभी इन प्लांट्स को धूप देना है। तो मैं तो जैसे ज़्यादा अगर धूप यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैं शेडेड एरिया में फिर ले जाके रखती हूँ, लेकिन मैं ऐसे जगह पे अभी रखा हूँ जहाँ पे धूप इतना नहीं आते हैं। देखिए, अभी तो सुबह का 9 बज गया है, तो अभी धूप यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी एकदम डायरेक्ट धूप नहीं आ रहे हैं, ऐसे छान के आ रहे हैं। तो ऐसे ही करके हमें इन प्लांट्स को अभी धूप देना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें पानी कितना देना है, इसके वाटरिंग के बारे में। फ्रेंड्स, पानी भी इन प्लांट्स को
ज़्यादा हमें नहीं देना है, ज़्यादा पानी इन प्लांट्स को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जब आप देखें कि इसका ऊपर का मिट्टी सूख गया है तभी हमें इन प्लांट्स को पानी देना है। तो अभी भी ऐसे ही करके आप देख लीजिए, फिर उसके बाद पानी डाल दीजिए। और फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इसका फर्टिलाइज़र के बारे में, यानी इन प्लांट्स को हमें क्या फूड देना है। फ्रेंड्स कोई भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा अच्छा लगता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ही बेहतर है, क्योंकि गमला पूरा भरा हुआ रहता है तो इसलिए हम कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं इतना, तो इसीलिए आप भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वही आप बना के दे सकते हैं, या फिर वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर एक चम्मच पोटास और एक चम्मच DAP आप एक दिन पहले ही भिगो के रखिए 1 लीटर पानी में, फिर उसके एक दिन बाद फिर इन प्लांट्स को जितना चाहिए एक प्लांट्स को उतना ही आप दे दीजिए। तो ऐसे करके आपका अगर ज़्यादा प्लांट्स है तो आप ज़्यादा उस हिसाब से भिगोइए और सारे प्लांट्स को आप दे दीजिएगा, तो आपका प्लांट्स में भी ऐसे ही करके फूल खिलेंगे। तो ऐसे करके हम इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स और अभी हम बात करते हैं इसका बीमारी के बारे में। इसमें तो मेरे प्लांट्स में तो कोई भी बीमारी नहीं लगा है, बस आप 15 डेज के अंदर अंदर जो पेस्टिसाइड आपके पास अवेलेबल है वही पेस्टिसाइड आप 1 लीटर पानी में एक चम्मच अच्छे से मिला के फिर स्प्रे कर कीजिए, तो आपका प्लांट भी ऐसे ही हेल्दी रहेंगे और ढेर सारे फूल साल भर देते रहेंगे थोड़ा बहुत करके। और देखिए फ्रेंड्स मेरे पास 4 टाइप का डायंथस है, देखिए ये है एक टाइप का, ये पिंक कलर में है, बहुत ही अच्छा कलर है, इन सब का कलर बहुत ही अच्छा क्यूट सा कलर है। और देखिए ये वाला फिर ऐसा टाइप वाइट और पर्पल जैसा मिक्स है, ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है इसका कलर जैसा आप अभी देख रहे हैं। और ये वाला एकदम से रेड है, देखिए इसका कलर भी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वाला देखिए ये भी रेड है लेकिन ये मेरून जैसा रेड है, ये दिख जाएगा आपको अच्छे से, ये ऐसा है लेकिन इसका कलर थोड़ा लाइट आ रहा है, थोड़ा डार्क है इसका कलर। तो ये ऐसा ही मेरे पास इन यही 4 टाइप का मेरे पास डायंथस है, अगले साल देखूंगी अगर और कलर मिल जाए तो। तो फ्रेंड्स अभी हम आप लोगों को इसका ब्रांचेस से कैसे हमें कौन सा ब्रांच लेना है कटिंग के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको इसका ब्रांचेस से प्रोपागेशन करना है तो अभी बहुत ही अच्छा सीजन है, आप इसका ब्रांच काट के अभी प्रोपागेशन कर सकते हैं बहुत ही इजीली, फिर अगले साल के लिए बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएगा, ऐसे ही मेरे जैसा गमला पूरा भर जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ऐसा पुराना जो ब्रांच है, देखिए बिल्कुल ऐसा जिसका जहाँ पे देखिएगा कि पत्ते पूरा सूख गया है तो उधर में ऐसे ही तोड़ के काट के आप थोड़ा सा 1/2 इंच जैसा मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, तो वहीं से फिर ये प्लांट बहुत सारे हो जाएगा और ग्रो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नया ब्रांचेस से मैंने नहीं किया है, मैं तो ये जो जितना भी ये पॉट में देखिए ये पूरा पॉट मैंने कुछ ब्रांचेस ऐसे ही करके लगा दिया था, लेकिन मैंने तो दिसंबर में शायद लगाया इन सबको लगाया था, और ये तो मैंने वो बेबी प्लांट नर्सरी से लाया था, ये वाला और वो मेरून टाइप जो रेड है वो वाला, वो दोनों बहुत ही छोटा प्लांट एकदम से 2-4 पत्ता निकलने वाला था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये डायंथस है कि क्या है, तो वैसा मैंने लाया था नर्सरी से। और फ्रेंड्स और अगर आपका प्लांट्स में फूल खिलना बंद हो गया है तो अगले साल आपको फिर इसी प्लांट से
ग्रो करना है तो आप फिर इसका आधे हिस्से तक, जितना ही लंबा बन चुका है जितना सारा, तो वो सब ऐसे देखिए, जिस ब्रांच में आप देखिएगा कि फूल ही नहीं है और शूट भी कोई भी नहीं है, ऐसा ब्रांच को आप हटा दीजिए। मैं तो रोज़ ही हटाती हूँ, अगर जिसमें कोई भी बार्ड्स भी नहीं है, शूट भी नहीं है, निकल रहा है, तो वो वैसा ही जैसे कि ये वाला को बिल्कुल यहाँ से हमें काट देना चाहिए। लेकिन मेरे प्लांट्स में तो देखिए अभी भी फूलों से भरा हुआ है, तो मैं कैसे अभी काट दूँ। लेकिन अगर मैं जब काटूँगी अगर, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कैसे काटना है। तो ऐसे तो वैसे ही करके मैं रोज़ थोड़ा बहुत काटती रहती हूँ। देखिए तो ऐसे करके हमें काट देना चाहिए, और फिर जो पुराना ब्रांचेस है वो सबको आप ग्रो कीजिए, तो आपका अगले साल के लिए बहुत सारे प्लांट ऐसे ही करके मिल जाएगा। देखिए मेरे बहुत सारे नया बेबी प्लांट निकल रहा है अंदर से। फ्रेंड्स देखिए, इन प्लांट्स का जो मिट्टी है उसे हमें ऐसा होना चाहिए, जो कि मैंने देखिए 1 घंटा पहले ही पानी डाला था, फिर भी अभी भी कितना अच्छा है मिट्टी, गीला गीला नहीं है, मतलब सौगी मिट्टी नहीं है। तो इसलिए आप भी अपना प्लांट्स में गीला गीला करके दिन भर पानी मत डालिए, और इसीलिए फिर अभी जैसे बारिश का सीज़न आ रहे हैं, तो उस समय आप फिर बारिश के समय आप शेड के नीचे इन प्लांट्स को रखिए, नहीं तो अगर बारिश में ही आप रखेंगे तो इन प्लांट्स का ख़राब होने का डर रहेगा, और अगर अंदर रखेंगे उस समय तो फिर आपका प्लांट्स भी बहुत ही अच्छा रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। और साथ में इस समर में भी इन प्लांट्स, मेरे प्लांट्स जैसे बिल्कुल ऐसे ही करके बहुत सारे न्यू बेबी प्लांट निकलेगा, और आपका पॉट भी पूरा भर जाएगा, और फिर उसमें फूल भी आते रहेगा बिल्कुल मेरे जैसा करके। आप केयर कीजिएगा इन समर में, तो आपका प्लांट में भी बिल्कुल ऐसा ही करके फूल खिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स इतना ही था मेरा डायंथस प्लांट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहे और खुश रहे, और हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआएं कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।